युवा कांग्रेस के एसडीएम मैहर को ज्ञापन सौंपकर कक्षा 12वीं के छात्रों के जनरल प्रमोशन की मांग की। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोरोना महामारी के मरीज आए दिन बढ़ रहे हैं, जिनकी संख्या अब हजार से लाख में पहुंच चुकी है। जहां प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार इस महामारी में रोक लगा पाने में नाकाम साबित हो रही है, वहीं देश के भविष्य, युवाओं का ध्यान रखते हुए छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया जाना चाहिए। साथ ही चेतावनी दी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रदेश भर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेंगी। ज्ञापन देने आए हैं क्यों? देखिए, हमारी मांग है शिवराज सिंह चौहान से आज यूथ कांग्रेस पूरे जिले की एवं मैहर विधानसभा की मांग कर रहे हैं। पूरे यूथ, पूरे युवा आज इकट्ठा हुए हैं। हमारी स्पष्ट मांग है सरकार से कि जिस तरह से 10वीं के छात्र छात्राओं को जनरल प्रमोशन देके एक आगे बढ़ाया गया, आगे की स्कूल में एडमिशन दिया गया, ठीक उसी प्रकार से हमारे जो 12वीं के छात्र छात्राएं हैं और हमारे जो कॉलेज के साथी हैं, युवा हैं, बालिकाएं हैं, इनको भी जनरल प्रमोशन के तौर पर आगे बढ़ाया जाए। जिस तरह से कोरोना महामारी आज पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में फैली हुई है, इसके चलते अगर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो यूथ कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारा स्पष्ट आज मैहर एसडीएम साहब सुरेश अग्रवाल जी को ज्ञापन दिए हैं यूथ कांग्रेस के द्वारा कि अगर शिवराज सिंह चौहान द्वारा एक हफ्ते के अंदर हमारी मांग पूरी नहीं की और अगर छात्रों को जनरल प्रमोशन नहीं दिए तो यूथ कांग्रेस समस्त जिले की नहीं पूरे प्रदेश की उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जवाबदारी सिर्फ शिवराज सिंह चौहान की होगी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।